नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, में हूं आपके साथ शिल्पा। पाकिस्तान के एक पत्रकार के इंटरव्यू ने भारत में बवाल मचा दिया है। पत्रकार ने अपने इंटरव्यू में जो बातें कही भारत के लिहाज से बेहद गंभीर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा की। नुसरत मिर्जा ने पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जासूसी की बात को कबूला। पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि वो कई बार भारत गया और कई शहरों में भ्रमण किया और जो जानकारियां उनको भारत से मिली वो उन्होंने सीधा ISI तक पहुंचा दी। यहां नुसरत मिर्जा ने हामिद अंसारी द्वारा साल 2011 में एक कार्यक्रम में बुलाए जाने, यानी कि एक सेमिनार अटेंड करने के लिए उन्हें यहां पर बुलाया गया था, उसका जिक्र किया और उस दौरान इकट्ठा जानकारियों को ISI को देने की बात भी कही। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है इसे लेकर भारत सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। पत्रकार भी जिन जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उनकी पुष्टि भी साफ तौर पर नहीं की जा सकती है। जो बात पाकिस्तानी पत्रकार की तरफ से कही गई है उनमें कितना दम है नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने हामिद अंसारी के साथ साथ कांग्रेस से भी सवाल पूछ डाले कि आखिर किस तरीके से देश की सुरक्षा की जा रही थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कारनामों से देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या महज चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरह का बयान दिया गया है या फिर वाकई में इसमें कोई सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो वाकई में बेहद गंभीर मसला, क्योंकि यह मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई तो यह भारत की सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ है सबसे बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने कबूलनामे में क्या क्या कहा और बीजेपी ने कांग्रेस पर क्या क्या आरोप लगाए, देखिए। कुसूरी साहब जो थे वो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने मेहरबानी करके मुझे 7 शहरों का वीजा दिला दिया। अमूमी तौर पर इंडिया के जो लोग हैं जो इंडिया में 3 शहरों का वीजा देते हैं, जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो 3 शहरों देते हैं, उन्होंने 7 का दिला दिया। 2010 में फिर हमें बुलाया गया जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे, तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस पर उनकी वीकनेस को हम जानते हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई आदमी ऐसा नहीं है कि उस हमारी जो पास जो एक्सपीरियंस है या जो हमने जो तजर्बे हमने वहाँ तजर्बे तजर्बा हासिल किया उससे कोई इस्तेफादा हासिल करने को तैयार नहीं है। इस तरह से कहा DGISI चला गया, खुर्शीद कुसूरी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इंफॉर्मेशन लाए हो ये तुम इसको दे दो क्यानी को, उस जमाने में क्यानी DGISI था। मैंने भाई मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आप देना चाहते हैं दे दें, मैं आपको ये दे के जा रहा हूँ। तो खैर वो उन्होंने दे दी थी। फिर बाद में किसी आदमी ने एक ब्रिगेडियर ने मुझे फ़ोन किया, आप कहा कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाए तो अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, इस पर ही काम करो। 2005 से 2011 के बीच में 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है, वो भी हामिद अंसारी जी देते हैं। वही जानकारी हमारे देश की सेना हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो देश की जनता यह पूछना चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस की जो सरकार रही उसकी ये नीति थी? हामिद अंसारी जी को इस देश की जनता ने आदर दिया, सम्मान दिया, संवैधानिक पद पे वो रहे, वो इस देश की जनता का आशीर्वाद था। बदले में उन्होंने क्या दिया? क्या ये कांग्रेस पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? और इस बीच हामिद अंसारी का इस पूरे विवाद पर बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। बीजेपी पर उन्होंने यह आरोप लगाया, निशाने पर लिया उन्होंने बीजेपी को और कहा कि बीजेपी मेरे खिलाफ ही झूठ फैला रही है। नुसरत मिर्जा से तो मैं आज तक मिला ही नहीं, सरकार के पास मेरी सारी जानकारी है, मेरे काम को देश और विदेश में सराहा गया, लेकिन बीजेपी मेरे खिलाफ झूठ फैलाने का काम कर रही है। हामिद अंसारी ने
जासूसी वाले इस मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर कुछ इस तरह से कुछ इन शब्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए यह रिएक्शन दिया कि सरकार के पास मेरी सारी जानकारी है और मैंने जब इस देश की सेवा की, इस देश के लिए काम किया तो देश में विदेश में हर जगह मेरे काम को सराहा गया। हामिद अंसारी का इस पूरे विवाद पर यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो फैलाया जा रहा है पूरी तरह से झूठ है और बीजेपी मेरे खिलाफ ही झूठ फैलाने का काम कर रही है। और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन पाकिस्तानी पत्रकार को किसने बुलाया, क्यों बुलाया, यहां की इंफॉर्मेशन वहां पाकिस्तान की आईएसआई तक कैसे पहुंचा दी गई, क्या खुफिया एजेंसियों को कोई खबर नहीं थी, क्या कर रही थी उस समय खुफिया एजेंसी। 2005 से लेकर 2011 तक 5 बार वो भ्रमण पर आए हिंदुस्तान के, अलग अलग शहरों में घूमे, इंफॉर्मेशन एकत्रित की, क्या यूपीए सरकार में वाकई में जासूसी हुई थी, पत्रकार ने जासूस बनकर क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां इस देश की रक्षा से जुड़ी हुई, सुरक्षा से जुड़ी हुई जुटा ली होंगी और वो सारी इंफॉर्मेशन फिर आईएसआई तक पहुंचा दी गई, क्या हामिद अंसारी को बदनाम करने की या फिर ये एक साजिश है, एक कोशिश है। आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। मुन्ना खान साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ माथुर साहब। और पूर्व रॉ अधिकारी एन के सूद साहब भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सूद साहब, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। सबसे पहले हामिद अंसारी पर ही कोई पहली दफा नहीं है इस तरह के आरोप लग रहे हों, कई बार पहले भी वो विवादों में रहे हैं, लेकिन सूद साहब आपको क्या लगता है भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए क्या वाकई में ये इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया 2005 से लेकर 2011 तक, ना जाने कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी वहां पाकिस्तान में आईएसआई तक पहुंचा दी गई होगी। लगता है संपर्क हमारा कट गया है, संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे। बता दें आपको कि ये जो पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया, इसने बवाल मचा दिया। नुसरत मिर्जा ने पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में दरअसल जासूसी की बात कबूली। उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी ने हमें इन्वाइट किया था और वैसे तो 3 शहरों में भ्रमण करने की इजाजत होती है, लेकिन हमें 7 शहरों में यानी कि 7 स्टेट्स में भ्रमण करने की इजाजत दे दी गई थी। और रॉ के पूर्व अधिकारी एन के सूद ने भी हामिद पर गंभीर आरोप लगाए थे। साल 2019 में ईरान में राजदूत रहते हुए भारत के हितों के खिलाफ काम करने का उनके ऊपर आरोप लगा था। इसके अलावा रॉ के पूर्व अधिकारी आर के यादव ने भी हामिद अंसारी पर आरोप लगाए थे। 2018 की बात है, ईरान में कश्मीरी आंदोलनकारियों का साथ देने का हामिद अंसारी पर गंभीर आरोप पहले भी लग चुका है। इस तरह से यानी कि हामिद अंसारी, उनकी निष्ठा, उनकी देशभक्ति कहीं ना कहीं हर बार कटघरे में खड़ी नजर आती है। जब तक एन के सूद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ इस समय अनुज माथुर साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। माथुर साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका। ये पाकिस्तानी पत्रकार की तरफ से दिया गया सनसनीखेज बयान, उसके बाद बीजेपी की तरफ से की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, गौरव भाटिया को आपने भी सुना होगा, सर ये क्या दर्शाता है, क्या वाकई में भारत की रक्षा सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया, आपको क्या लगता है और क्या हमें पाकिस्तानी पत्रकार के इस बयान पर विश्वास करना चाहिए। शिल्पा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो पहले हमें इस पाकिस्तानी पत्रकार का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हमें मालूम होना चाहिए। हाँ। ये पाकिस्तानी पत्रकार जो है, मेरे हिसाब से जो जहां तक मेरा इनके बारे में जानकारी है, हाँ। मेरे हिसाब से ये एक बहुत शेडी कैरेक्टर है, जो आप अंग्रेजी में शेडी कैरेक्टर है। ये पाकिस्तान की आर्मी के क्लोज है। इसने जो मुहाजिरों का मूवमेंट था MQM, उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करा सेना के कहने पर। तो ये जो इनका नुसरत मिर्जा है, ये बहुत ज्यादा शेडी कैरेक्टर हैं और इनकी बात को फेस वैल्यू पे लेना सच है नहीं है उसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि फेस वैल्यू पे इनकी बात को लेना इतना ठीक नहीं रहेगा। ये सेना के दबाव में,
क्योंकि आप देखिए आज जो जिस पड़ाव पर भारत और पाकिस्तान खड़े हैं, उस पड़ाव पर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जो है भारत से पिछड़ गया है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो जियो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे वो जियो पोलिटिकल हो, चाहे वो भारत में रोल प्ले टू बी प्लेड इन यूरोप एंड यूक्रेन, रोल प्ले टू बी प्लेड इन यूरोप एंड यूक्रेन हो, तो ये तमाम चीजों में वो अपने आप को अलग पा रहा है। अमेरिका से उसका साथ छूट गया है, चीन का कोई किसी को विश्वास उसको लग, अब उनको भी लगना शुरू हो गया है कि चीन का, चीन ने उनको बाकायदा जिस प्रकार से श्रीलंका को बनाया है, बाकायदा उसी प्रकार से वो उनको भी ट्रीट कर रहे हैं और वहां परेशानी होने की संभावना पैदा हो गई। तो उनको लगातार कोई ना कोई कुछ गड़बड़ करने का तरीका ढूंढते रहते हैं वो लोग। तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी एक संभावना है कि वो इसको इन मिर्जा जी के थ्रू कुछ इस तरह की बात फैलाना चाहते हैं जिससे कि यहाँ पर थोड़ा कोई कंफ्यूजन हो। तो मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा संवैधानिक पद पकड़ के रखा हुआ में वो आसीन थे, उनको बिना पूरी तरह सिद्ध हुए इस तरह कटघरे में खड़ा करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा उचित, बिना प्रमाण साबित किए, मेरा मानना है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ पूर्व रॉ अधिकारी। अगर मेरा ये मैं एक बोलिए 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 प्लीज टेक योर टाइम। हाँ, मेरा ये कहना है कि यदि ये अगर सही है, अगर किसी भी एक कुछ परसेंट भी इसमें सही है, ठीक है, तो अब देखिए किसी भी पत्रकार को बुलाना, पहली बात तो बुलाया या नहीं बुलाया वो सवाल नहीं, दूसरा बुलाना कोई गुनाह नहीं है। हाँ। इसमें अगर कुछ और एक्सचेंज हुआ है जो कि अगर सिद्ध हो सकता है, जो तभी आप कहा किसी को कटहरे में खड़ा करें। यहाँ से मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन मैंने डीजी आईएसआई को दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ऐसी और भी जानकारियां क्या हासिल हो सकती है। तो सर बाकी में देखिए फिर ये बहुत गंभीर मसला है, इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर मैं आपके पास लौटती हूँ सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे साथ पूर्व रॉ अधिकारी एन के सूद साहब भी जुड़ गए हैं। सूद साहब, हामिद अंसारी पर सर पहले भी गंभीर आरोप कई बार लगे हैं, आपने खुद 2019 में लगाए भी हैं, कितना दम इन आरोपों में? देखिए दम नहीं है, फैक्ट। ओके, अंसारी साहब इंडिया के एम्बेसडर थे ईरान के अंदर 1991 से लेकर 1993 तक। हाँ, उस टाइम पे वहां पे चार अंबेसी के ऑफिशियल्स डिप्लोमेट्स उनको किडनैप कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। और अंसारी साहब की ड्यूटी बनती थी उनको प्रोटेक्शन देने की, उनको सिक्योरिटी देने की, अंसारी साहब ने कुछ नहीं किया। और इसमें से दो अधिकारी ऐसे थे जो रॉ के थे, और अंसारी साहब ने जितना उस टाइम पे नुकसान करना था देश का किया। इससे पहले कभी भी रॉ का कोई ऑफिसर को किडनैप नहीं किया गया ईरान के अंदर, या अम्बेसी के किसी ऑफिशियल को, और अंसारी साहब के जाने के बाद भी किसी को किडनैप नहीं किया गया। और ये कोई इल्जाम नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। और वहाँ पे एक अधिकारी को जेल में डाल दिया गया, एविस प्रिजन, जो सबसे डेंजरस है, जहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है। अंसारी साहब की ड्यूटी ये बनती थी कि उनको प्रोटेक्शन दे, और अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको अगर पनिशमेंट मिलेगी तो इंडिया में मिलेगी। अंसारी साहब ने अपनी ड्यूटीज को जानबूझ के इग्नोर किया। अंसारी साहब का वहाँ पे दूसरा इल्जाम था, उन्होंने रॉ के यूनिट को बंद करने के लिए पूरा दम लगा दिया, और लेकिन इसके साथ साथ अंसारी साहब ने जो उनको करना था वो नहीं किया। और ये बेसिकली उनके साथ कुछ और एमबीए के लोग मिले हुए थे जिन्होंने रॉ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और यहाँ पे जो लोगों को छुड़वाया गया वो बेसिकली हमारे एफर्ट से छुड़वाया गया, और इस चीज का मैं गवाह हूँ क्योंकि मैं वहां पे था। और इसमें से चार लोगों को जिनको किडनैप किया गया था, तीन आज जिंदा भी हैं, विटनेस भी देने को तैयार हैं अगर गवर्नमेंट चाहे। और बहुत से ऐसे एम्बेसी के लोग थे जो उस टाइम पे पोस्टेड थे ईरान में, वो भी विटनेस देने को तैयार हैं। अंसारी साहब का मैं ये नहीं कहता, अब जैसे इनका एक पत्रकार ने एक इल्जाम लगाया, बेसिकली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं, कोई डेलीगेशन आती है उसमें अपने लोगों को डाल देती हैं, और उनको बेसिकली अगर पाकिस्तान से कोई आता है उसको घूमने की परमिशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट आया था उसको जगह जगह घूमने की परमिशन दी गई, और वो इसीलिए दी गई कि उसको ऊपर से सपोर्ट थी, चाहे अंसारी की सपोर्ट हो चाहे किसी और की सपोर्ट हो। हाँ। और ये बेसिकली अगर आज डिनाई करते हैं अंसारी साहब कि उन्होंने इस आदमी को नहीं बुलाया, तो अंसारी साहब ये भी डिनाई कर दें कि जो वहां पे लोग किडनैप हुए थे एम्बेसी के, उसमें
इनका कोई रोल नहीं था, क्योंकि ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो पूरे रिकॉर्ड पे हैं। ऐसे में इनके सूट साहब आप जो ये फैक्ट्स बता रहे हैं बाकी में रोंगटे खड़े करने वाले, अगर इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई है और अगर ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं अंसारी साहब पर इनमें भी थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सर बाकी में इतना बड़ा खतरा यानी कि हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा था। मोबाइल फोन नहीं थे, एम्बेसी से हम फोन नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने बाहर अपना वेश बदल के बाहर गया, एक पोस्ट ऑफिस से अपने कॉन्टेक्ट के थ्रू पोस्ट ऑफिस से फोन किया किसी को, दो फ्रेंड को, और उसने सीधी बात की उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अंसारी साहब तो शरीफ आदमी है, बिल्कुल शरीफ आदमी है, लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने बताया, उसने कहा एनके सूद, क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के टच में रहा करता था, उनकी सिक्योरिटी में था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी टाइम पीवी नरसिम्हा राव को फोन किया, और उसके बाद वो आदमी को, जब पीवी नरसिम्हा राव ने अंसारी को फोन किया, उनके फॉरेन ऑफिस में फोन किया, तब वो आदमी छूट के आया। लेकिन अंसारी साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, क्यों? अंसारी साहब एक एमबीए के ऑफिसर थे उस टाइम पे, पीवी नरसिम्हा राव वहाँ के वो जो पीएम थे वो उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, और उनको भी उनके बेसिकली इन सब लोगों के साथ टच थे। जो ऐसे लोग होते हैं वो डबल रोल प्ले करते हैं, और अंसारी साहब जो ईरान में पोस्टेड थे रेगुलरली विजिट करते थे पाकिस्तान, साथ में इनकी रेगुलर विजिट मीटिंग्स होती थी पाकिस्तान के एम्बेसडर से, और ये बेसिकली रॉ के यूनिट को इसलिए बंद करवाना चाहते थे ताकि इनकी एक्टिविटीज के बारे में, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी यानी कि ये इतनी बड़ी साजिश पाकिस्तान में बैठी आईएसआई से हिंदुस्तान में अंजाम दे रही थी। ट्वीट डाला जब मैं रिटायर हो गया, एक आर के यादव जो रॉ के ऑफिसर थे और एक्स रॉ ऑफिसर है, उन्होंने किताब में लिख करके सारी डिटेल दी हुई है, किसी को अगर इसमें कोई डाउट हो तो किताब पढ़ लें, और किसी को अगर यहाँ पे कोई विटनेस चाहिए तो मैं विटनेस देने को तैयार हूँ, मेरे साथ और लोग हैं जिनको किडनैप किया गया था वो विटनेस देने को तैयार हैं। ईरान में जब अंसारी साहब पोस्टेड थे तो ये कहा जाता था कि जो अंसारी साहब हैं वो इंडियन एम्बेसडर ईरान में नहीं है, यानी कि बल्कि उसके बजाय कहा जाता था ईरानियन एम्बेसडर इन ईरान। तो जितने भी ये आरोप लगे हैं ईरान, ठीक है, बाकी में जितने भी आरोप लगे हैं सूद साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि ये आरोप नहीं दरअसल फैक्ट है, तो ऐसे में सीरियसनेस इसकी बढ़ जाती है, और वाकई में अब डर भी लग रहा है कि कितना बड़ा खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ सकता था या पड़ा भी हो क्या पता। चलिए ठीक है, मैं इस पर आगे भी आपके पास आऊंगी। सर नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ मौजूद है। नेहा जी, गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन इन आरोपों का प्रमाण क्या है? एक पाकिस्तानी पत्रकार पर क्यों भरोसा किया जाए? नेहा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया है, दोबारा संपर्क साधेंगे। तो बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर हामिद अंसारी पर एक बार फिर से आरोप। 2018, 14 जुलाई 2018 को उन पर आरोप लगे, ईरान में कश्मीरी आंदोलनकारियों का साथ देने का उन पर आरोप लगा। इसके अलावा 2019 में एन के सूद साहब ने खुद ये आरोप लगाया, पूर्व रॉ अधिकारी है, कि हामिद अंसारी ने ईरान में क्या कुछ नहीं किया। जिस समय रॉ को, उनकी टीम को आवश्यकता थी एक प्रोटेक्शन की, कुछ नहीं किया गया, और पूरी तरह से वहाँ पर रॉ की यूनिट को बंद तक करवाने के लिए हामिद अंसारी ने पुरजोर कोशिश की। ये गंभीर आरोप, ये एलिगेशंस एन के सूद साहब की तरफ से भी लगाए गए हैं, पूर्व अधिकारी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि भारत की सुरक्षा के लिए क्या ये इतना बड़ा खतरा उस समय मोल लिया जा रहा था? एन के सूद साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूद साहब, वाकई में सर अब सोचकर भी इन फैक्ट्स को, जिन आरोपों को आप फैक्ट्स बता रहे हैं, डर लग रहा है कि ना जाने कौन कौन सी और कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे देश की रक्षा सुरक्षा से वहां पाकिस्तान में बैठी आईएसआई तक पहुंच गई होंगी, और क्या हमने खामियाजा भुगता? सूद साहब, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क कटा हुआ है, दोबारा संपर्क साधने की करेंगे कोशिश। खड़े में चर्चा हो रही है जिस तरह से एक पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक YouTube इंटरव्यू में सनसनीखेज बयान दे दिया। उन्होंने खुलासा किया कि 2005 से लेकर 2011 के बीच उन्होंने 5 मर्तबा भारत का दौरा किया,
बहुत सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ से जो गैदर की थी उन्होंने वो ISI तक पहुँचाई, यानी कि जासूसी का इतना बड़ा आरोप, वो भी किसकी इनविटेशन पर? हामिद अंसारी के इनविटेशन पर। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े होते हुए, हालांकि हामिद अंसारी ने सफाई पेश की है, उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा है, BJP की तरफ से झूठ फैलाने का पलटवार भी उन्होंने किया है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए, जिन सवालों के हम जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ पूर्व अधिकारी NK सूद साहब लगातार जुड़े हुए हैं। सूद साहब, एक बार फिर से उसी सवाल के साथ, सर पिछली बार मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पाई थी, जो आप कह रहे हैं कि आरोप नहीं दरअसल ये फैक्ट्स हैं, सर अगर ऐसा है तो ये तो हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और इसका क्या खामियाजा भी हमने भुगता जाने अनजाने, जिसका हमें पता भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमारी जेल्स हमारी रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई वहां बैठी पाकिस्तानी ISI तक पहुंचा दी गई। सूद साहब, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? अब आ रही है। हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए सर। ये बेहद गंभीर आरोप है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, अगर वाकई में इनमें जरा से भी सच्चाई है तो। देखिए, बेसिकली जो साहब जी ने कहा, मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत बात की है। हाँ, जब भी कोई पाकिस्तानी यहाँ पे आता है उसकी एक इन्विटेशन होती है, कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। हाँ, अगर इस आदमी को 5 स्टेट में जाने के परमिशन दी, तो इसका मतलब ऊपर से कोई ऑर्डर थे। और क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं कि हमारी एजेंसी क्या कर रही थी, एजेंसी हमारी जो ISI की तरह नहीं है। अगर हमारी एजेंसी को कहेगा कि आप काम नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। जब IK गुजराल हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने IG से कह दिया कि पाकिस्तान के एम्बेसी पे कोई वॉच रखो, तो उनको हटाने पड़े। और रॉ से कह दिया आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो रॉ ने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए और पाकिस्तान को फ्री हैंड मिल गया है। 2006 में कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती थी कि सियासी पाकिस्तान को दे दिया जाए, और वो बड़ा डेंजरस था। जब वहां पे शोर मच गया तो रुक गए। 2012 में इन्होंने दोबारा कोशिश की सियासत को देने की, अगर सियासत चला जाता तो कारगिल चला जाता, साथ में लेह लद्दाख चला जाता, कश्मीर चला जाता। तो बेसिकली ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, इनके पास कोई इशू नहीं है बात करने का। ये जानते नहीं है कि देश की सिक्योरिटी कैसे चलती है। जो रॉ है या IG है, ये पाकिस्तान की ISI की तरह काम नहीं करती। ये पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। पाकिस्तान की ISI गवर्नमेंट बात नहीं करती। अगर रॉ को कह दिया आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो रॉ को बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि रॉ को अगर पैसे देंगे तो गवर्नमेंट देगी। और रॉ के जो ऑफिसर्स हैं वो पाकिस्तान की तरह नहीं है, उनको आर्मी के सपोर्ट है। तो इसलिए जो भी ये एलिजिबिलिटी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब पाकिस्तान के जब ईरान के अंदर अंसारी थे, 4 डिप्लोमैट को वहां पे किडनैप किया गया। हाँ, जब मोहम्मद उमर को किडनैप किया गया तो मुझे ड्यूटी लगाई गई कि आप जा सकते इससे बातचीत करिए। क्योंकि मेरे जो चीफ थे उन्होंने कहा कि वो मोहम्मद उमर अंसारी कह रहे हैं कि वो उनको खबर नहीं दे रहा और वो काम कर रहा है पाकिस्तान की ईरान की इंटेलिजेंस के लिए। मैंने कहा जब बात थे तो मैंने कहा ये कोई काम नहीं कर रहा पाकिस्तान ईरान की बॉर्डर के लिए। लेकिन उन्होंने मेरे से जब रिपोर्ट मांगी तो मैंने क्लीन चीट दे दी मोहम्मद उमर को, उसको वापस भेज दिया गया। सूद साहब, तो ऐसे में ये समझ नहीं आता, ये सारी जानकारियां ऑब्वियसली फिर तो हमारी खुफिया एजेंसियों के पास भी होंगी, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, एक्शन एजेंसी तब लेगी जब उनको गवर्नमेंट परमिशन देगी। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, अगर हम गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देती तो एजेंसी कुछ नहीं करती। हमारा काम है गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना। अगर उसके बाद गवर्नमेंट कहे कि आप इस पे एक्शन लो तो हम एक्शन करेंगे। लेकिन नॉर्मल तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर गवर्नमेंट हमको परमिशन नहीं देती तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट कहेगी, जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर IC 814 पे को हाईजैक करते जिनको मार दिया गया, तो आप सोच सकते हैं किसका काम होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट आज एक्टिव है, इससे पहले इंदिरा गांधी भी एक्टिव थी, उससे पहले जो बहुत थे यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो एक्टिव नहीं थे। 5 फॉरनर्स को किडनैप कर दिया गया। जब पीवी नरसिम्हा राव यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी लोकेशन दे दी, पीवी नरसिम्हा राव ने परमिशन दी थी उनको मारने की या पकड़ने की, तो रॉ कुछ नहीं कर सका। तो बेसिकली हमारी जो एजेंसी है हेल्पलेस हो जाती है अगर हेल्पलेस हो जाती है अगर गवर्नमेंट उनकी सुनती नहीं है। हाँ, हमारा काम है गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना। गवर्नमेंट अगर कहेगी कि आप जैसे आप अंसारी के बारे में रॉ में सबको पता है कि इनका क्या रोल था। हाँ, उसके बावजूद भी अंसारी को 2009 में रॉ की बिल्डिंग में इनवाइट किया गया जब रॉ का रेजिंग डे था, क्योंकि उस टाइम पे जो
रॉ के चीफ थे, बाहर से आए थे, पी चिदम्बरम के काम साथ काम करते थे, पी चिदम्बरम के कहने पे उनको रॉ में इनवाइट किया गया और वहां पे आके उन्होंने ऐसी बातें कह दी जिससे सारा रॉ डिस्टर्ब हो गया। सबसे बड़ी विडंबना की बात, देश पर, देशभक्ति पर, देश की रक्षा सुरक्षा पर राजनीति हमेशा हावी रही, जिसका खामियाजा रॉ ने भी भुगता और इस देश के नागरिकों ने भी भुगता। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे सर। हमारे साथ अनुज माथुर साहब भी लगातार जुड़े हुए। माथुर साहब, आपने सुना होगा भी इनके सूद साहब को, वाकई में लगातार इस तरह की एक्टिविटीज होती रही, एजेंसीज की तरफ से कहा भी गया लेकिन एक्शन नहीं हुआ, तो सर किस तरह का संदेश फिर जाता है और वाकई में हम फिर कैसे रह रहे हैं? खुफिया एजेंसियों पर हमें पूरा विश्वास है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन जब राजनीति कहीं ना कहीं हावी हो जाए तो सर फिर देश को फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, देश की कीमत कहीं ना कहीं लगा दी जाती है। लगता है संपर्क एक बार फिर से कट गया है। सूद साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सूद साहब, आप ही के साथ में आगे चर्चा को बढ़ाना चाहूंगी। सर ऐसे तो न जाने पत्रकार ने कौन कौन सी यहाँ पर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचाई होगी। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में यूपीए सरकार में जासूसी हुई थी, और जासूसी हुई थी जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये आरोप नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, इनका जिक्र आपने साल 2019 में भी किया था, बार बार आप इस बात को कह रहे हैं लेकिन फिर भी कोई एक्शन ना लिया जाना, जाहिर तौर पर राजनीति हावी होती हुई, सर देश को फिर किस तरह से इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, जरा दर्शकों को यह समझाए। देखिए देश इसकी किस्मत कीमत चुका चुका है, देश इसकी कीमत चुका रहा है। आप देखिए हमारे यहाँ पे कारगिल हुआ, हमारे यहाँ पे IC-814 का हाईजैकिंग हुआ, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, और ये सारा कुछ जो राजनीति के लोग हैं इनकी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है कि बेसिकली आप देखिए अभी क्या हुआ कि जैसे उरी में अटैक हुआ तो उसकी रॉ ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, उससे पहले जब पठानकोट में अटैक हुआ उसकी रॉ की इन्फॉर्मेशन दी थी, तो लोकल जो कमांडर्स थे उनकी वजह से वहाँ पे मौतें हुई। और लेकिन उसके बाद जब इन्होंने इंडिया ने जो पूरा काम किया पाकिस्तान के ऊपर काउंटर अटैक किया, तो वो बेसिकली पूरा उसमें रॉ का रोल था, NTRO का रोल था, बाकी एजेंसीज का रोल था। लेकिन हमारी एजेंसीज तभी काम कर सकती हैं जब उनको फ्री हैंड दिया जाए या गवर्नमेंट उनकी सुने। अगर गवर्नमेंट उनकी सुनती नहीं है तो ये एजेंसीज कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ रिपोर्ट दे के बैठ जाएंगी, आगे काम कुछ नहीं होगा। और हम इसका बहुत भुगतान बिल्कुल सही बात आप सही बात आपने कही है कि देश में इसका खामियाजा भुगता है। और अगर माथुर साहब आपके पास आऊंगी सर, अगर मेरी आवाज इस बार आप तक पहुंच पा रही हो, अब आप जब एजेंसीज के हाथ पैर ही बांध देंगे तो आप फिर क्या उम्मीद करेंगे सर? एजेंसीज आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी भी लेकिन आप राजनीति हावी होने के चलते, अपने एजेंडाज के चलते एक्शन ही नहीं लेंगे तो सर देश को तो फिर भुगतना पड़ेगा, जो देश ने भुगता भी, जो बात इनके सूद साहब बार बार रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल शिल्पा, ये इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे को मालूम नहीं है कि क्या डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि मैं पिछले आधे घंटे से और सुन नहीं पा रहा था, कोई टेक्निकल ग्लिच थी, तो हो सकता है जो मैं बोलूं कुछ रिपीट हो, कुछ लोग ऑलरेडी बोल चुके हों। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जब भी इस प्रकार की कोई एजेंसी होती है उनको फ्री हैंड, और फ्री हैंड के साथ साथ उनको सपोर्ट, दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। अगर आपने फ्री हैंड नहीं दिया तो वो काम अपना ठीक से कर नहीं पाएंगे, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी हो। दूसरी बात, अगर आपने उनको फ्री हैंड दे रखा है लेकिन जब अगर कुछ होता है तो उनका हैंड होल्डिंग प्रोपेंसिटी आपके पास नहीं है तो भी आपको परेशानी होगी। ये जो पुराने जो ईरान वाला जो किस्सा है उसमें यही हुआ कि उनको बार बार बताया गया लेकिन बताने के बावजूद, क्योंकि उस किस्से को मैंने भी बहुत डेलिबरेटली और बहुत सिंसियरली फॉलो किया था, तो उसमें यही बताया गया, तो उन्होंने उस क्या विजडम थी, क्या वजह थी, आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन हुआ ये था कि बार बार रॉ के कहने के बावजूद नहीं हुआ। फिर एक बार रॉ ने अपने सीनियर ऑफिसर को बताया भी कि आप ना बताएं उन्हें क्योंकि उन्हीं पे हमें इशू है, जब वो कश्मीरियों के ऊपर कोई 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 बातचीत पे उनको फॉलो कर रहे थे, उनको बताया गया। फिर बाद उसके बाद वो उनको जो जो सीनियर थे उन्हीं को उन्होंने, तो पॉइंट इज कि जब तक आप फ्री हैंड नहीं देंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। फ्री हैंड किसे देना था? फ्री हैंड देना था एजेंसीज को, सरकार को, जो सरकार ने दिया नहीं। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ इस समय मुन्ना खान साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मुन्ना जी, ये बेहद गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर कि भाई
जब आपकी सरकार थी यूपीए गवर्नमेंट के समय, पाकिस्तानी पत्रकार ने यहाँ हिंदुस्तान में आकर, वो भी हमिद अंसारी के इनविटेशन पर, यहाँ जासूसी की, सारे इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में बैठी आईएसआई तक पहुंचाई, देश की रक्षा सुरक्षा को खतरे में डाला। एजेंसीज ने आपको आगाह किया लेकिन आपकी सरकार ने सुनी नहीं। पहली बात तो शिल्पा जी, ये प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का था, ये कोई उपराष्ट्रपति जी का प्रोग्राम नहीं था। और ये उपराष्ट्रपति जी जैसे बार बार कह रहे हैं हमिद अंसारी जी, हमें पता भी नहीं था किनको इन्वाइट किया गया। जी हमें शांति से सुनाओ, प्लीज शांति से सुन ले एक बार। कोई नहीं बोल रहा सर, बोलिए। जी शिल्पा जी, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, वो कोई हमिद अंसारी उपराष्ट्रपति का प्रोग्राम नहीं था, एक चीज। दूसरी चीज, मैं एनके सूद साहब को सुन रहा था, जो रो के पूर्व अधिकारी थी, ये बार बार एक बात को रिपीट कर रहे थे कि ईरान के अंदर हमिद अंसारी के टाइम में रो के अधिकारी को किडनैप किया गया, न उससे पहले हुआ न उसके बाद में हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके पास प्रूफ है ये तथ्य पे बोल रहे हैं? इनके पास कोई प्रूफ है कि हमिद अंसारी ने किडनैप करवाया हमको? आपने अच्छा सवाल किया सर। जाहिर सी बात है, एनके सूद साहब पूर्व अधिकारी है, महत्वपूर्ण पद पर वो आसीन रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, सुन लेते हैं। जी ऐसा था, पहले एक संदीप कपूर था, वो छुट्टी से वापस आया, जब छुट्टी से वापस आया तो उसने किसी को फ़ोन किया कि मुझे तंग किया जा रहा है, और उसके बाद हमारी ड्यूटी बनती थी उसको प्रोटेक्शन देने की, अंसारी साहब की ये ड्यूटी थी एज एम्बेसडर कि इंडियन एम्बेसी के लोग या वहाँ के जो इंडियन रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन का काम उनका। हमिद अंसारी ने रिपोर्ट ये दे दी कि ये करेक्टरलेस है, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर दी, और इन्होंने इवन ईरान की एम्बेसी से प्रोटेस्ट नहीं किया, जो उनकी ड्यूटी बनती थी। उसके बाद दूसरा आदमी जिसको किडनैप किया गया था, प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को भी आपने चिट्ठी लिखा था, जो वाजपेयी जी ने कहा था नहीं हमिद अंसारी बहुत भले, चिट्ठी लिखा था उसके बाद आपने राव जी को भी चिट्ठी लिखा, और मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखा था, चिट्ठी लिखा, मैंने पत्र लिखने का काम किया। मैंने प्रमाण मांगा, प्रमाण दे रहे हैं सर, एक ही करके आपके पास में आऊंगे, आप उस समय अपनी बात रखिएगा। उसके बाद एक डीबी माथुर, क्योंकि अंसारी साहब की ड्यूटी ये बनती थी कि वहां पे एक्शन लें, और अगर ईरानियन ने किसी को किडनैप किया तो ईरान की एम्बेसी के आदमी को उठाना चाहिए था, यहाँ पे डायरेक्शन दी जाती, जो नहीं किया। उसके बाद एक डीबी माथुर, उसको घर से ऑफिस आ रहा था एम्बेसी में, उसको रास्ते में किडनैप कर लिया और किसी को बताया नहीं, उसको उन्होंने एविस प्रिजन में डाल दिया। जब हमने पता लगाया कि वो प्रिजन में है, उसके खिलाफ एम्बेसी साहब से, जब अंसारी साहब से बात की, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी वाइफ आ गई वहाँ पे, लेडीज आ गई, उन्होंने एम्बेसी में डेमोन्स्ट्रेशन की, और उसके बाद मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करवाया एक दोस्त के थ्रू, एक प्रेस वाले के थ्रू, और मैंने कोई चिट्ठी किसी को नहीं लिखी। आपको अगर ज्यादा जरूरत है तो आर के यादव की एक किताब पढ़ लीजिएगा, जिसमें उन्होंने अंसारी की पूरी किताब हिस्ट्री लिखी है कि उन्होंने क्या किया। और उसके बाद तीसरा आदमी जिसको किडनैप किया गया था, और ये जो सारी चीजें हैं ये रिकॉर्ड में हैं, एमईए के रिकॉर्ड में हैं, क्योंकि ये लोगों को जल्दी बुला लिया गया। और तीसरा आदमी जिसको किडनैप किया गया था वो था मोहम्मद उमर, उसको अंसारी साहब फंसाना चाहते थे, उसके खिलाफ चाय लगाना चाहते थे कि ये ईरानियन के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद मोहम्मद उमर को मैंने मना कर दिया कि मैं इसके खिलाफ कोई ऐसा वर्डिक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि ये आदमी इनोसेंट है। उसके बाद उसको वापस भेज दिया गया 3 दिन के नोटिस के बाद। चौथा आदमी जो था वो थे वहां पे पीके वेणुगोपाल, जिनको वहां पे किडनैप कर लिया गया, उनको मारा गया, और उसको हार्ट पेशेंट थे। उसके बाद उनके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दे दी कि ये आदमी के गलत एक्टिविटीज हैं, जबकि ईरान में आप गलत एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। और इसके बाद अंसारी साहब के अपने बेटे, उसके बेटे को 2 बार उनकी इंटेलिजेंस के लोगों ने रोका, क्योंकि वो लड़कियों के साथ घूमता था जो वहां पे अलाउड नहीं है। उसके बाद वहां पे एचओसी जो हेड ऑफ द चांसलरी होते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि बार-बार हामिद अंसारी के खिलाफ सबूतों के साथ शिकायत की गई थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, उन तमाम सबूतों को कहीं ना कहीं उन तमाम फैक्ट्स को नेग्लेक्ट किया गया। उसमें बेसिकली अंसारी साहब के साथ कुछ और लोग मिले थे। अच्छा। एक वहां पे जीएस पर्स है जिसका काम है सिक्योरिटी का, जिनका नाम है रतन सहगल। बाद में वो पकड़े गए सीआईए को डॉक्यूमेंट पास करते हुए, और उसके बाद उनको डिसमिस करना था, लेकिन
क्योंकि वो गांधी फैमिली के क्लोज थे, उनको अमेरिका जाने दिया और ये जो सारा का सारा कुआ एक बेसिकली पूरे तरीके से किया। और आप देखिए, ठीक है, फिर से गांधी परिवार पर प्रश्न मार्क, बाबरी मस्जिद का इशू, यूपीए गवर्नमेंट पर तो प्रश्न मार्क है ही। जवाब आपका, मुन्ना खान सर उदाहरण के साथ, सबूतों के साथ उन्होंने अपनी बात कही। मैं नहीं, नहीं शिल्पा जी, मैं रोके पूर्व अधिकारी, मैं उनके किसी बात पे निकला, मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से यादव जी ने अभी किताब छापी हामिद अंसारी के बारे में, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई तथ्य उनके खिलाफ है, उनके पास कोई सबूत है, तो गृह मंत्री जी के पास सारे चिट्ठे पड़े हैं, सारी फाइलें पड़ी हैं, उनके ऊपर वेरिफिकेशन करवा के जांच करवाए, अगर कोई दोषी है तो मैं ये कह रहा हूँ किताब छाप करके किसी भी आदमी पे अनलीगल आरोप लगाना और देश की बदनामी करना, मैं समझता हूँ ये कहाँ तक सही है, ये बातें गलत है। मैं कह रहा हूँ अगर ये दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाए, हमारे पास सक्षम जितनी संस्थाएं सब सारी सक्षम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की बदनामी और ये जो उच्च पद पर हो विराजमान व्यक्ति जो अभी पूर्व है, पूर्व हमारे उपराष्ट्रपति है, तो उनके ऊपर ये लांछन लगाना, इस तरीके की बात करना, मैं कहता हूँ ये शोभनीय बातें नहीं है। ये लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार ने ये जो रिवीलेशन किए हैं, मुन्ना खान साहब, जांच करवाएं। नुसरत मिर्जा ने ये जो बातें कही हैं, जाहिर सी बात है अच्छा खासा नाम है उनका वहां पर, मैं कह रहा हूं पब्लिसिटी के लिए तो उन्होंने कही नहीं होगी, कुछ ना कुछ सच्चाई होगी अगर इसमें, तो क्या आप मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं? शिल्पा जी मैं कह रहा हूँ कि वो पत्रकार मिर्जा एक जोकर है, दूसरी चीज वो एक यूट्यूब पे एक वीडियो देख करके देश में इस तरह से कोहराम मचाना, मैं समझता हूँ ये कितना जायज है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वीडियो आप एक यूट्यूब पे देख लो और उस मिर्जा के बात करो जिसको पाकिस्तान में जोकर कहा जा रहा है, और वो जोकर है, उसके बातों के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच जाना, ठीक है, मैं कहता हूँ सरकार कोई सच्चाई नहीं है, पानी के पानी करना ही नहीं है, ठीक है, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। सूद साहब कह रहे हैं कि भाई आप किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं, वो तो यही चाहते हैं जी कि मजहबी नफरत यहाँ पर फैले, वो तो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इंटरनल पीस कभी कायम रहने ही ना पाए, और हम वही कर रहे हैं कि जाने अनजाने। देखिए बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया को डिस्टर्ब करता रहा, आप कश्मीर का इशू देख लीजिएगा, पाकिस्तान को दिक्कत कब हुई है? दिक्कत तब हुई है जब ये गवर्नमेंट आई है। इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, और बेसिकली पाकिस्तान का वो हाल कर दिया कि पाकिस्तान कभी उठ ना पाए, क्योंकि पाकिस्तान का यही एक तरीका है। दूसरा हमारे पास तरीका होता है, आप देखिए कि जब हमारी आर्मी थी, आर्मी के सोल्जर बॉर्डर में जाते थे, उनके प्राइवेट पार्ट को काट लिया जाता था, उनके आंखें निकाल ली जाती थी, और इस टाइम पे गवर्नमेंट वो प्रोटेक्ट करती थी कि ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, वो उनके मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने अटैक किया। तो गवर्नमेंट का हमारा हमेशा कवर करने का तरीका रहता था। हमारी गवर्नमेंट आप देख लीजिएगा, आप नेट में निकाल के देख लीजिएगा किस तरीके से मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा सियाचिन पाकिस्तान को दे दो, 2012 में पार्लियामेंट के अंदर उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी ने कहा कि हम एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, और ये डिसीजन था कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो। सियाचिन पाकिस्तान को देने का मतलब ये है कि पाकिस्तान कारगिल हाथ से निकल जाए, हमारे हाथ से लेह लद्दाख निकल जाए। तो बेसिकली ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और इनको एक पर्पस था कि इनका एक अपना, आप देखिए दूसरी तरफ अगर बात करते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, 2008 में ये चाइना गए, उनसे एक प्राइवेट एग्रीमेंट किया, और बेसिकली एग्रीमेंट क्या था कि सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। तो ये लोग बैठे हैं जो कांग्रेस के, ये अपने मुंह से कोई बात बर्दाश्त नहीं होती इनसे कि जो गलत काम हुआ है उसको गलत बोलो, और इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ यहाँ कांग्रेस को भी मिर्ची लगती है जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। मुन्ना खान साहब जवाब आपका, इसलिए बार बार कहा जाता है कि 2014 के बाद देश बदल गया क्योंकि अब वो पहले वाला देश नहीं रहा, तो दूसरों के सामने विदेशी शक्तियों के सामने झुक जाया करता था। हमारे मित्र हैं, पुराने रो अधिकारी हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनके, लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा वो इस तरीके का अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल न करें, एक बात। दूसरी चीज, वो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें किस बात की चीज होगी, किस बात की होगी। दूसरी चीज, इन्होंने अभी पाकिस्तान में कहा, तो मैं मित्र आपको बता दूं कि पाकिस्तान की कमर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने तोड़ी थी, आपके मोदी के बस की बात नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है, आप दोष कांग्रेस को बेवजह दे रहे हो। तो कमर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की बहुत पहले तोड़ चुकी है, और सवाल रहा कांग्रेस ये पाकिस्तान की, तो हमारे जो हमारी स्थिति है, जो हमारी ताकत है, उसके 0/0 में नहीं है वो, हम उससे तुलना नहीं कर सकते। देश हमारा बहुत महान है,
और कमर तोड़ने के वो बर्बाद बहुत पहले हो चुका है, उसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल आप लोगों की जो सेटिंग्स चल रही थी खुफिया को भेजने के, मोना खान साहब ठीक है, पाकिस्तानी पत्रकार के इस बयान को तो आपने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, उन्हें कहा कि उनकी बातों पर कोई विश्वसनीयता है ही नहीं, बिल्कुल वो उन्हें आपने जोकर बता दिया कि हमें उनकी बात में कोई सच्चाई दिखाई देती ना विश्वास होता है, लेकिन लेकिन एस एन सूद साहब ने जो कहा बिल्कुल उस पर भी कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती क्या सर? नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूँ एस एन सूद साहब जो इल्जाम लगा रहा, मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, आपके पास सारी संस्था है, आप जांच करवा लो, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसकी जो तथ्य है वो बाहर निकल के आ जाएंगे, फिर आप उनको फांसी पे लगाओ, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन बगैर जांच किए बगैर तथ्य के किसी पे आप इल्जाम लगा रहे हो तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अशोभनीय बात है। तौर पर सूद साहब ये प्रमाण मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी में आप जो बात कह रहे हैं, तथ्य आप जो पेश कर रहे हैं, अगर उनमें सच्चाई है तो जाइए आप एजेंसी के पास, जाँच करवाइए और सजा दिलवाइए। बिल्कुल जांच करवाइए, जांच का विषय है, गृह मंत्री के पास पहले पड़ी है, जवाब दे रहे हैं सूद साहब, सुन लेते हैं। देखिए इसमें बात क्या होती है कि ये जो पुराना केस है हाँ। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सारा कवर अप कर दिया, लेकिन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, किस आदमी को कहाँ पकड़ा गया, कब उसको किस तरीके से उसको वापस किया गया। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि अगर अंसारी साहब के खिलाफ एक्शन हो जाएगा तो यहाँ सारे मुसलमान शोर मचा देंगे, पूरे वर्ल्ड में शोर मच जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट नेचुरली सारी चीजों को देख करके इसको इग्नोर करती है, क्योंकि ये काम उनके टाइम पे नहीं हुआ, ये काम जो है 91 से 93 हुआ, लेकिन हमारे को अफसोस की बात यह है, लेकिन अफसोस की बात यह है कांग्रेसी है ना, ऐसी बात आपके पास बोलिए सूद साहब। लेकिन ये जो बेसिकली मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, और मैं इनको करेंगे। एक बात बता दूं हाँ। जो इंदिरा गांधी इस देश में कर गई उसका कोई मुकाबला नहीं है। इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े काम किए, पाकिस्तान के जो टुकड़े किए उसने, सिक्किम को इंडिया के अंदर मिलाया, दूसरी बात सियाचिन को उसने ये अपने कंट्रोल में लिया, और ये सारे काम रॉ की वजह से हुए हाँ। और बेसिकली इंदिरा गांधी को और पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंटों को कंपेयर करने का कोई पर्पज नहीं बनता। एक इंदिरा गांधी जिसने देश के लिए काम किया है, दूसरा पीएम मोदी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे नरसिम्हा राव को भी मैं वो नहीं कहूँगा, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए लेकिन उनमें कोई दम नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहे जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में करप्शन रही, और जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर्स ने वहाँ पे हावी होकर के करप्शन चलाई उससे बेसिकली ये लोग पावर में से बाहर हो गए। लेकिन अगर ये लोग ये समझें जो गलत को गलत बोले, ठीक को ठीक बोले, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, कांग्रेस दोबारा स्टेशन में आ सकती है। लेकिन ये ठीक बात को भी गलत बोलते हैं, ये कहते हैं एविडेंस, एविडेंस सारी है, एविडेंस सारी एमईए के अंदर पड़ी है। उस टाइम पे नरसिम्हा राव ने एक्शन लेने से मना कर दिया क्योंकि वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते थे। बहुत सी बातें हुई हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं बहुत सी बातें विश्वास हो पाता है, क्यों मुन्ना साहब काम करना चाहिए था। ठीक है सर, मुन्ना खान साहब जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद माथुर साहब मैं आपके पास। मैं कह रहा हूँ अभी हमारे रॉ के अधिकारी जो मिस्टर सूद साहब है वो अभी एक बात है उन्होंने कही है कि अगर यहाँ पे मुस्लिम के साथ एक्शन हो तो पूरे विश्व में हंगामा मचेगा, पूरे मुस्लिम देशों में कि मुस्लिम पे कार्रवाई। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, देश मेरा बड़ा है या मुस्लिम बड़ा है? देश मेरा बड़ा है, बड़ा है। देश के साथ किसी भी तरह की कोई बात नहीं है, किसी तरह के तथ्य अगर कहीं कोई मामला लीक हुआ है तो मैं समझता हूँ उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम देखने की बात नहीं है। और मैं इन विचारधारा से बिल्कुल अलग हूँ, मैं इन बातों से बिल्कुल अलग हूँ। अगर देश किसी भी तरह की कोई बात हुई है तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। कार्रवाई ये पुराना केस है इसलिए गवर्नमेंट इसको उठाना नहीं चाहेगी, ठीक है, उसको पता है कि अगर हम ये पुराना केस उठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, इतने महत्वपूर्ण पद से जुड़ा हुआ, संवैधानिक पद से जुड़ा हुआ मसला है, अगले 20 साल तक गवर्नमेंट उनकी इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी, यूं ही नहीं एक्शन ले लिया जाएगा। माथुर साहब फाइनल कमेंट आपका सर। जी हां, बस मैं भी यही कहना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर इसमें जरा भी सत्य है तो ये एक भारतवर्ष के लिए बहुत खतरनाक बात है, और इस बात को देखा जाना चाहिए। और मैं सूद साहब से बहुत हद तक सहमत हूँ कि ये जो उस समय अगर जो ये बातें सामने आई थी उनका कोई कुछ इसके ऊपर जांच की गई होती और इसको साथ इसका कोई पॉलिटिकल इसको सपोर्ट मिला होता तो चीजें शायद डिफरेंट होती। रहा सवाल सियाचिन का और बांग्लादेश का और इन सब चीजों का, हाँ ये सब ये तमाम चीजें ये किसी एक रॉ के बस की बात नहीं है या किसी पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, किसी एक प्रधानमंत्री के, ये तमाम पूरे देश ने मिलकर के ये पूरी कार्रवाई होती है। और ये जो इसके बाद में
देखा जाता है कि आप देखें 71 की वॉर में ये जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी ने मिलकर के ये काम करके आपको दिया है, और यदि ऐसा नहीं होता तो ये काम मेरे को लगता नहीं है कि इस प्रकार की कोई बातचीत हो पाती। ये आप ये बात याद रखने की है, सियाचिन देने की बात है, ये निश्चित रूप से सच है। बात दो बार इन्होंने प्रयास किया कि सियाचिन देकर किस तरह से पीछा छुड़ाया जाए। आप सियाचिन देने की बात कर रहे हैं और अब बात हो रही है कि बाकी बचा हुआ पीओके को भी हम लेंगे, तो चीजों में तब्दीली आई है। मेरा मानना यह है, मैंने भी 40 साल फौज में नौकरी करी है, मैंने पूरा ट्रांजिशन देखा है कि कैसे यहाँ पर है, फर्क साफ नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन अब इसको राजनीति से जोड़ के देखना नहीं चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ के देखना चाहिए, और इस बात को इसका पूरा पूरा इसको ये न तो उसको जोकर कह के हम छोड़ सकते हैं और ना उसको ये कह के कर सकते हैं कि आपने अंसारी जी को बिल्कुल ब्लेम कर दिया। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। हाँ। और जो सच हो, मेरा मानना है कि देश के हित में वही रहेगा। जी बिल्कुल, देश हित में। हाँ सर, आपका फाइनल कमेंट। जी खान साहब बोलिए, जाते जाते क्या कहेंगे? लगता है संपर्क उनसे हमारा कट गया है। ठीक है, इनके सूद साहब जाते जाते आप क्या कहेंगे सर, क्या होगा इस मामले में? आरोप प्रत्यारोप तो देखिए चल ही रहा है, ही चलता ही रहेगा, ये एंडलेस है। लेकिन क्या होना चाहिए? जांच की बात यहाँ पर की जा रही है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। देखिए बेसिकली एक गवर्नमेंट को एक व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए, पूरी इंक्वायरी करके जो कुछ हुआ ईरान के अंदर या उसके बाद अंसारी ने क्या क्या किया उसका गवर्नमेंट को चाहिए व्हाइट पेपर इशू करे। मैं ये नहीं कहता कि अंसारी साहब को जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी बात नहीं है, लेकिन फैक्ट्स सबके सामने आ जाएंगे कि क्या फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड के अंदर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास बस इतना ही था। तो कुल मिलाकर जांच होनी चाहिए, जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है, ताकि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार की तरफ से जो कुछ कहा गया उसे मात्र जोकर कहकर या हंसी में उड़ाकर नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उन्होंने वाकई में बातों बातों में सच कह दिया तो ये बहुत बड़ा खतरा हमारे देश के लिए, बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारियां आईएसआई के पास, जिसका आगे वो कभी भी किसी भी तरह से हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर आतंकवाद फैला सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं, पल भर में कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, साथ ही साथ सरकार को भी इस मामले में स्पष्टीकरण देना होगा, जांच करवाकर दूध का दूध पानी का पानी जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपने रहे चंदन रेवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।